वेलकम स्टूडेंट्स, आज वर्कशीट नंबर 10 देखने वाले हैं हम क्लास 9th की, जिसका नाम है सोशल साइंस। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। इसका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब हमें संविधान की जरूरत क्यों है। सो आप खुद को पता है कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ पर है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके बारे में अभी हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है और उसके फंक्शन क्या है, और उसके बाद एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैं आपसे डिस्प्ले कर दूंगा। वो एक सैंपल आंसर है, कोशिश करें कि आप अपने आंसर खुद बनाएं, वो आपको मदद करेगा अच्छे से समझने के लिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि लिखा गया होता है। ओके, सो संविधान एक लिखित नियमों की एक ऐसी बुक है, पुस्तक है, जिसके मदद से हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे जो हैं, कंट्री जो है वो अच्छे से स्मूथली वर्क करती है, जो एक सिटीजन्स हैं, लोग हैं, वो साथ में रहते हैं। सो बेसिकली इसकी मदद से आप अपने साथ वाले लोगों के साथ मिलजुल के रह सकते हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मतलब हो गया सबसे ऊंचा, मतलब इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज लिख दी गई है तो वो चीज माननी ही पड़ेगी उस देश के लोगों को। सो सर्वोच्च कानून है ये। सो संविधान के द्वारा नागरिकों को नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हमारा आपस में, मतलब लोगों को लोगों से और लोगों का सरकार से कैसा एक रिलेशनशिप है वो पता चलता है। इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप। तो अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ लें तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर है, वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों पॉइंट जो हो गए आपके वो इसके आंसर हो गए। तो चाहे आप हिंदी में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या हो गए, वो पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने पूछा, बताया है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जरूरत क्या है, क्यों है उसकी। सो आप खुद से सोचो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्लॉस हो जाएगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए एक स्मूथ गवर्निंग के लिए, एक आराम से शासन करने के लिए, ताकि लोग आपस में टकराए नहीं। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, तो आपको सबको पता है रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे हम जा सकते हैं। और उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम अपने लेफ्ट की साइड पे चलाते हैं, आज से मैं बोल दूं कि कोई रूल नहीं है, तो कोई बंदा राइट से आ रहा है, कोई बंदा लेफ्ट से आ रहा है, तो वहां पे कोई रूल नहीं होगा, तो आप हमेशा हमेशा के लिए रुके रह जाओगे, आमने सामने कोई ना कोई होगा जिस वजह से आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से अगर पूरी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, संविधान ना हो, कोई सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन ना हो, तो उसमें क्या होगा, कंट्री आगे स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट नीड हो जाती है। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ले लें या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें, तो सरकारी और गैर सरकारी जो भी संगठन होते हैं उसको कानून की जरूरत होती है। जैसे कि आपके स्कूल हो गए, वहां पर भी सेट रूल्स होते हैं, टीचर के हाथ में कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, स्टूडेंट के हाथ में कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, उसकी ड्यूटीज हैं। उसी तरीके से आपके प्रिंसिपल हैं, उनकी सेट ऑफ ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये चीज आप, ये इसका दूसरा नीड हो गया। तीसरी चीज हो गई, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। जैसे कि इंडिया में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, इंडिया में है। सो ये कुछ कंट्रीज है जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। और आखिर में ये जो लाइन दे रखी है, इजराइल, ब्रिटेन,
कनाडा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको रिटर्न मतलब लिखित में संविधान नहीं मिलेगा, अलिखित संविधान उसको बोलते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है। आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर चार फंक्शंस आपको दिखाई देंगे, मतलब संविधान के कार्य, चार कार्य हैं। पहला हो गया जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट पैदा करता है लोगों के अंदर कि भाई सब कुछ ठीक रहेगा, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। अगर बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, आप इमेजिन करें एक ऐसी कंपनी में आप काम करते हैं जहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी आके आपको कुछ भी कह देता है, तो उसमें क्या होगा, आपको भरोसा नहीं रहता कि आप किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो पहला जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया कि ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाने, इट जनरेट्स दिस। सेकेंड हो गया, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, कैसे काम करेगी और किसके पास क्या पावर्स हैं, कौन डिसीजन लेगा। जैसे कि हमें पता है कि जज है जो डिसीजन लेगा, आपको पता है कि पुलिस ही है जो गिरफ्तार कर सकती है और कोई इंसान गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से आपको सारे के सारे पावर्स और रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता है कि किसकी क्या काम है, किसकी क्या ड्यूटी है और किसकी ड्यूटी वो नहीं है। अगला हो गया सरकार के अधिकारों के की सीमा रेखा तय करते हैं। अब हर एक किसी की सीमा रेखा है, आपको पता होगा कि कांस्टेबल ही है जो सिर्फ हथकड़ी पहना सकता है, अफसर भी नहीं पहना सकता, तो हर किसी की एक सीमा रेखा होती है उस काम के दायरे की, तो उस सीमा रेखा के बाहर वो नहीं काम कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम नहीं कर सकता। लास्ट हो गया, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक लोगों के अंदर एक भरोसा बना रहता है, जैसे कि आपको अभी भी पता है कि कोई भी दिक्कत हो जाती है आपको गवर्नमेंट पे भरोसा रहता है, गवर्नमेंट से तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रहता है कि सब कुछ ठीक होगा अंत में। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर कंट्री, या किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये जो चार पॉइंट्स हैं ऊपर ये वाले, ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, और आखिरी के जो तीन आंसर हैं वो हम अभी आपको डिस्प्ले पे दिखा देते हैं। आप उनको ध्यान से पढ़ें, समझें और उसको अपने वर्ड्स में खुद लिखने की कोशिश करें, और उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ जो कि है इंग्लिश की। आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 10। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ लिटरेचर पैसेज। ये लिटरेचर पैसेज दिया गया है मुल्कराज आनंद की एक शॉर्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, उसमें से दिया गया है। सो लेट मी जस्ट रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। इन दिस स्टोरी A child visits a village fair with his parents. He is happy and excited. Fascinated by the toy shops on the way, he demands for them but receives a cold stare of refusal by his father. अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी। Pay attention to what I am reading because जो follow-up questions हैं वो इसी पैराग्राफ में से हैं और questions बहुत ही direct हैं। So if you just pay attention, you will be easily able to find answers. आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे या सुनेंगे। Then they pass through a mustard field. There he is mesmerized by the nature.
Finally, they reach the fair. There he is attracted to a sweetmeat seller, a flower seller, a balloon seller, and a snake charmer. He murmurs while asking for everything, but he knows that he will be refused. So without waiting for an answer, he keeps moving forward. Then he comes near a roundabout, where he gathers courage and boldly requests for it. But alas, his parents were not there. He is lost. He frantically looks around everywhere, but couldn't find them. He approaches near a crowded shrine. About to get trampled, he shrieks in a loud voice and a man comes to help him. The child is crying inconsolably, asking for his parents. The man tries to soothe him by offering a ride in the roundabout, to listen to music of the snake charmer, offers a rainbow-colored balloon, a garland to put around his neck, and a gift of sweets too. But the child refuses everything. All that he wants is his mother and father. तो ये जो पैसेज है वो मुल्कराज आनंद की एक शॉर्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, उसमें से लिया गया है। इस पैसेज में एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ गांव के मेले में जा रहा है। वो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, और वो सोच रहा है कि वहां पे जो टॉयज होंगे उनको मैं वहां से खरीदूंगा। तो जब वो ये अपनी डिमांड अपने फादर से शेयर करता है तो उसके फादर उसे आउटराइटली मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। तो पैसेज में हम आगे बढ़ते हैं, पैसेज में लिखा है कि वो फाइनली मेले में पहुंचते हैं। वहां पर उसे अ स्वीट मीट सेलर दिखता है, अ फ्लावर सेलर दिखता है, फूल बेचने वाला, अ बलून सेलर बलून बेचने वाला दिखता है, और एक स्नेक चार्मर दिखता है, सपेरा दिखता है। तो अब उसे पता है कि फादर उसके आउटराइटली मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, उसे कुछ भी नहीं देंगे, तो इसलिए बस वो बड़बड़ाता रहता है। उसे पता है कि मांगने पर भी वो चीज नहीं मिलेगी। फाइनली वो चलता रहता है, मेला देखता रहता है, और उसे एक राउंड अबाउट दिखता है। राउंड अबाउट इज लाइक एक झूले की तरह, वो गोल झूले की तरह एक राउंड अबाउट उसे झूला दिखता है। एंड फाइनली वो सोचता है अब तो मैं फादर से रिक्वेस्ट कर ही देता हूँ। जैसे ही वो रिक्वेस्ट करने के लिए मुड़ता है, उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो आसपास कहीं है ही नहीं। एंड ही रियलाइजेज, उसे रियलाइज होता है कि वो तो खो चुका है। फिर जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो खो चुका है, तो वो एक क्राउडेड जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और वहां पे इतनी भीड़ में मारे वो चिल्लाता है। वहीं पर एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है, और वो जोर जोर से अपने पेरेंट्स को पूछते हुए जोर जोर से रोने लगता है। तब उसका जो आदमी उसे मिलता है वो उसे बोलता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है, और कहता है तुम चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हें झूले पे ले जाता हूँ, देखो मैं तुम्हें वो सपेरे के पास म्यूजिक सुनाता हूँ, देखो मैं तुम्हें एक रेनबो कलर्ड बलून दिला देता हूँ, देखो मैं तुम्हें ये फूल दिला देता हूँ, मैं तुम्हें स्वीट्स भी देता हूँ। वो सब ट्राई करता है वो आदमी उसे चुप कराने के लिए, लेकिन इस बार वो बच्चा उसे मना कर देता है, क्योंकि नाउ फाइनली All he wants, उसको at the end उसको realize हो जाता है कि ये सब चीजें उसके mother और father, उसके parents के सामने किसी काम की नहीं है, और वो finally इन सब को refuse कर देता है। तो यही है हमारा paragraph, और इसी paragraph पे based हैं questions। तो पहला question देख लेते हैं। On the basis of the given passage, answer the following questions. First, The child visits a dash with his parents. तो child ने क्या visit किया था? Option A, friend, school, shop या village fair. Of course, वो village fair उसने visit किया था. So option D is correct. Second, the father of the child dash his demand of toys. Option A, accepts. क्या father of the child accept कर लेता है? Agree कर लेता है? मान जाता है उसकी demand of toys? B, the father of the child refuses. क्या उस फादर बिल्कुल मना कर देता है डिमांड ऑफ टॉयज? द फादर ऑफ द चाइल्ड इग्नोर्स, क्या वो ध्यान ही नहीं देता है उसकी डिमांड पर? ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी रिफ्यूजेस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थ्री, द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू डैश इन द विलेज फेयर। तो चाइल्ड जो है वो किससे अट्रैक्ट हुआ है, उसको विलेज फेयर में, उसको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है? ऑप्शन ए, A sweet meat seller,
अ बलून मैन, सी अ फ्लावर सेलर, डी ऑल ऑफ देम. तो हम ऊपर अगर पैसेज में देखें, अ स्वीट मीट सेलर भी लिखा है, अ बलून मैन भी लिखा है, अ फ्लावर सेलर भी लिखा है. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन फोर, फाइनली ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर. सो फाइनली वो बच्चा किसके लिए रिक्वेस्ट करने की करेज उस गैदर कर लेता है और फाइनली किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए मुड़ता है. ऑप्शन ए म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, ऑप्शन बी राइड इन द राउंड अबाउट, ऑप्शन सी बलून्स, ऑप्शन डी स्वीट्स. सो अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर से उसको देखेंगे तो जब वो स्नेक चार्मर से मिलता है तब भी वो नहीं मांगता क्योंकि उसे पता है कि पापा नहीं मानेंगे. बलून्स ऑप्शन सी तब भी नहीं मांगता, स्वीट्स तब भी नहीं मांगता. लेकिन जैसे ही फाइनली वो उस झूले पे पहुंचता है राइड इन द राउंड अबाउट तब वो फाइनली करेज करके वो अपने फादर से पूछने की कोशिश करता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि आसपास पेरेंट्स तो है ही नहीं. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. नाउ क्वेश्चन फाइव, ही फील्स डैश आफ्टर गेटिंग लॉस्ट. जब बच्चा खो जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है. ऑप्शन ए डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश होता है. ऑप्शन बी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आता है. ऑप्शन सी मिजरेबल, उसे बहुत ही बुरा लगता है. ऑप्शन डी सैटिस्फाइड, वो बहुत संतुष्ट हो जाता है. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी मिजरेबल इज द करेक्ट ऑप्शन. वो बहुत ही उसको एकदम बुरा लगता है, वो डेवेस्टेटेड हो जाता है जैसे सब कुछ खो गया हो. अब यहाँ क्वेश्चन सी सॉरी क्वेश्चन सिक्स पे आ जाते हैं. द मैन ऑफर्स द चाइल्ड डैश राइड इन द राउंड अबाउट. जो मैन उसे जो आदमी उसे मिलता है वो उसे क्या ऑफर करता है. ऑप्शन ए झूले पे सवारी राइड इन द राउंड अबाउट, ऑप्शन बी अ रेनबो कलर्ड बलून, रेनबो जैसे कलर का बलून, ऑप्शन सी स्वीट्स मिठाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. अगेन पैराग्राफ में देखेंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत. जो मैन है उसे जो आदमी है वो ये सब ऑप्शन ये सब चीजें उसे ऑफर करता है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन. अब क्वेश्चन सेवन, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकंसोलेबली बिलोंग टू. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है. तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है. पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो अब देख लेते हैं ये कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं. ये वर्ड की बात कर रहे हैं इनकंसोलेबली. तो अगर हम पैराग्राफ में देखें कि इनकंसोलेबली कहाँ आया है, वो कुछ इधर आया है, ये इधर. तो ये सेंटेंस एक बार रीड कर लेते हैं. द चाइल्ड इज क्राइंग इनकंसोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स. सो यहां पर इस सेंटेंस में नाउन क्या है, द चाइल्ड इज क्राइंग इनकंसोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स. क्राइंग क्या है, वर्ब है और वर्ब के साथ में एक वर्ड है इनकंसोलेबली. तो वर्ब है क्राइंग, वो क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है. पर वो कैसे रो रहा है, वो इनकंसोलेबली रो रहा है, उसको चुप ही नहीं कराया जा सकता, इस तरह से रो रहा है. तो जो वर्ड्स किस तरह से एक वर्ब हो रहा है, किस तरह से एक एक्शन हो रहा है, उन वर्ड्स को दर्शाते हैं, उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं. तो इसलिए ये वर्ड इनकंसोलेबली क्या होगा, एडवर्ब होगा. तो अगर वापस से इस क्वेश्चन पे जाएं, तो क्वेश्चन सेवन इनकंसोलेबली एडवर्ब को बिलोंग करता है. कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ऑप्शन सी एडवर्ब को बिलोंग करता है. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन एट, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट. तो आपको क्यों लगता है कि बच्चा रो क्यों रहा है जब वो खो गया है. तो ऑप्शन ए ही इज मिसिंग हिज पेरेंट्स, ऑप्शन बी ही विशेस टू बी रीयूनाइटेड विद देम, ऑप्शन सी ही रियलाइजेस द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑप्शन डी ऑल द ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन है वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है, उसे उनकी याद आ रही है. ऑप्शन बी वो चाहता है कि वो उनसे वापस से मिल जाए. ऑप्शन सी
उन्हें उसे अपने पेरेंट्स की वर्थ भी पता चल जाती है, वैल्यू भी पता चल जाती है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने जरूरी हैं, ये उसे पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली ये तीनों ही उसको फीलिंग्स आ रही होती हैं, इसीलिए ही वो रोने लगता है, इसीलिए वो यहाँ पे हम ऑप्शन डी ऑल द ऑप्शंस चूज करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज के लिए यही हमारी वर्कशीट है। विल सी यू अगेन। बाय बाय।